राजस्थान में प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों, बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में इन दिनों जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन भाजपा की तमाम कोशिशों और बड़े नेताओं की उपस्थिति के बावजूद यह कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। इन रैलियों के फ्लॉप होने के पीछे भाजपा की स्थानीय राजनीति में धड़ेबंदी के अलावा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप भी है, क्योंकि आम आदमी रैली की अपेक्षा कैंप में जाना उचित समझ रहा है। अब तक यह रैली अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, चूरू, नागौर, भीलवाड़ा सहित कई अन्य छोटे बड़े शहरों में हो चुकी है, लेकिन कहीं भी संतोषजनक उपस्थिति की जानकारी नहीं मिली है। 24 अप्रैल के बाद तो इन कार्यक्रमों में आने वालों की संख्या और भी कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं। भाजपा नेताओं की इसलिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं पर खींच निकल रही है। भाजपा के नेताओं ने कई जगह अनर्गल बयान भी दिए हैं जो उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं। भाजपा के खुद के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थक मतदाता भी पार्टी के प्रोग्राम की अपेक्षा महंगाई राहत कैंप में व्यस्त है, क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन से सीधा लाभ व्यक्ति की जेब में आ रहा है।